तो हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सिमरन डी लाइफ तो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन तो वंस अगेन वेलकम बैक टू दिस चैनल तो आप में से बहुत सारे ऐसे मेरे भाई बहन हैं जो बहुत समय से मिस कर रहे होंगे मुझे भी और मैं भी आप लोगों को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी बिकॉज गाइज ये चैनल हमने क्रिएट किया था एक साल पहले ऑलमोस्ट या आई थिंक सो से भी ज़्यादा हो चुका होगा कि सो so दैट आप लोगों ने जब क्लास ट्वेल्व पास आउट कर लिए तो भी हम लोग बहुत कनेक्टेड रहे हैं आपकी कॉलेज लाइफ से लेकर और जो है आगे मेरी लाइफ से रिलेटेड हॉबीज़ डिस्कस करेंगे मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ बातें आपके साथ शेयर करूँगी आप अपनी लाइफ से रिलेटेड बातें मेरे साथ शेयर करोगे और काफ़ी सारी बातें डिस्कशन करने के लिए हमने इस चैनल को ओपन किया था बट आई एम रियली सॉरी मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाई थी बिकॉज ऑफ द मेन चैनल सिमरन साली आपको पता है uh, क्योंकि थोड़ा बर्डन ज़्यादा था नहीं बना पाई थी बट अब मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि गए है कि अब गई अब मैं इस वाले चैनल पर भी एक्टिव रहने वाली हूँ तो सारे प्यारे प्यारे भाई बहन मेरे कौन से कॉलेज में हो आप लोग कैसी चल रही है आपकी लाइफ सबसे पहले तो मुझे ये बताओ हाउ आर यू ऑल मैं कई बार दिखती थी सिमरन टी डी लाइफ के कॉमेंट्स में आप लोग कहते थे दीदी कहाँ हो चैनल बना के भूल गए हो डाल ही नहीं रहे हो वीडियो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी फॉर दैट अब से हम बिल्कुल ना एक्टिव रहने वाले अभी तुम्हारे जो ट्वेल्थ क्लास वाले जूनियर्स है वो भी पास आउट कर जाएंगे उनका क्यूएड का एग्जाम होगा दे विल ऑल्सो कम इन टू कॉलेज तो अभी जो है पूरा मैंने फुल प्लानिंग कर लिया कि अब हम यहाँ एक्टिव रहने वाले हैं तुम तो मुझे बताना कि जो है आप लोग कैसे हो सबसे पहले तो और कौन से कॉलेज में हो कैसी चल रही है कॉलेज लाइफ और आज की जो वीडियो है सबसे पहले मुझे आपको दिखाना है आज हमारा न्यू बुक शेल्फ स्टूडियो वो कुछ भी कह सकते हो आप तो आपको याद है हम लोगों ने एक डेढ़ साल पहले डिस्कशन करा था कि मुझे नया बुक शेल चाहिए इफ़ यू रिमेंबर कुछ स्टूडेंट्स को याद होगा हमने डिस्कस करा था मुझे नया बुक शेल चाहिए और सब कुछ पार... फाइनली क्रिएट हो गया था, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं तुम लोगों को दिखाऊंगी क्योंकि हम लोगों का ही आइडिया था कि हाँ हम अपनी एक लाइब्रेरी टाइप क्रिएट करेंगे अब तुम लोग मुझे बुक सजेस्ट करोगे और मैं अपनी फेवरेट फेवरेट बुक्स के बारे में तुम्हें बताऊँगी तो वैसा ही कुछ जो है ये मेरा बुक शेल रेडी हो गया था तो आज मैंने सोचा कि सबसे पहली वीडियो तुम्हार को डाल के दिखाऊँगी कि हमारा बुक शेल रेडी हो चुका है और अब मैंने ये भी प्लान कर लिया कि अब मैं इस चैनल पर भी एक्टिव रहने वाली हूँ तो एक बार फिर से पूछती हो कैसे हैं मेरे 2020 बैच वाले भाई बहन 2021 बैच वाले भाई बहन आई होप आप सब बहुत अच्छे हो आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो और जो है आगे आने वाली लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी जाए और अब हम लोग कनेक्टेड um, रहेंगे बातचीत करते रहेंगे और बहुत सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन करते रहेंगे तो चलो देखो अपना नया बुक शेल्फ तो यहाँ आप देख सकते हो वैसे तुम सोचो क्या बुक शेल्फ है भाई खालिया बुक शेल्फ में बुक्स तो है ही नहीं तो एक्चुअली पता है मैं क्या करती थी चलो बैठ के बात करते हैं आराम से तो मैं पहले क्या करती थी मैं ना जितनी भी बुक्स होती थी मैं अपने कॉलेज से बुक्स लेकर आती थी इशू करवाती थी पढ़ती थी वापस कर देती थी, थी तो मतलब बुक शेल्फ नहीं था तो मेरे पास और जो कुछ मेरे पास बुक्स थी तो मैं उन्हें इतना स्टोर नहीं कर पाती थी, थी अच्छे से तो अभी वो मैंने यहाँ लगा नहीं सकती हूँ उनका मैंने कवर थोड़ा सा खराब कर दिया है तो अब मेरा न्यू बुक शेल्फ बन गया है अब मैंने इसको फिर से जो है भरना शुरू करूँगी मैं ठीक है न्यू न्यू बुक्स मैं रोज़ जो है आ, सोच रही हूँ अच्छी अच्छी जो मेरी फेवरेट्स है वो तो मैंने कलेक्ट कर ली हैं अब मैंने प्लान करा है कि मैं इस पूरे बुक शेल्फ को फिर से फिल करूँगी इसमें मेरी फेवरेट नॉवल्स भी रहने वाली हैं तो मेरा फेवरेट तो क्लासिकल नॉवेल्स रहता है और और भी बहुत सारी बुक्स यहाँ पे कलेक्ट करेंगे हम आप लोग भी मुझे सजेस्ट करना कमेंट सेक्शन में कि आपकी कौन सी फेवरेट बुक है वो भी मैं लेकर आऊँगी ठीक है और कई बार ऐसा होता है हमें लाइफ में ना बुक पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता है। हम सोचते हैं दैट हाँ रीडिंग करने की हॉबी क्रिएट करेंगे टाइम नहीं मिल पाता या कुछ न्यू न्यू मतलब स्टोरीज़ के बारे में हमें जानने का मन करता है तो मैं ये भी सोचूंगी कि हाँ जो जो मैं बुक पढ़ती रहूँगी उसकी शॉर्ट समरी तुम्हें बताती रहूँगी जैसे क्लास ट्वेल्थ के इंग्लिश के चैप्टर्स कंप्लीट करे थे थे ना याद होगा तो मैं लास्ट लेसन याद है नहीं याद है फ्रांस वो लास्ट लेसन वाला और वो ईवान जिसने चोरी करी थी बेहतरीन वे में हाँ तुम्हारे पेपर कैंसिल हो गए थे बट फिर भी याद तो हो गई तो हाँ जैसे वो वाली स्टोरी सुनाती थी, थी ना कभी कभी मैं तुम लोगों को ये मेरी फेवरेट फेवरेट नॉवेल्स की स्टोरीज भी बताया करूँगी काफ़ी सारी स्टोरी तो तुम्हें पता ही होगी तो ये देखो ये है मेरा जेन ऑस्टिन का कलेक्शन ये पहले मैं सारी पढ़ चुकी थी पहले लाइब्रेरी से लेकर आई थी सारी मैंने पढ़ ली थी ये ये मुझे गिफ्ट में मिली थी ये वाली नई थी तो इसको मैंने न्यू मंगवा लिया है नॉर्थ इन ग्राबे को और इसकी अभी अनबॉक्सिंग करनी है मुझे मतलब ये अभी कवर में है मैंने वैसे पढ़ रखी है अभी न्यू मैंने मंगाई है सो दैट अब कलेक्शन में मतलब मेरे बुक शेल को पहले कलेक्शन के लिए यही वाली आई है बिकॉज जेन ऑस्टिन इज़ माई फेवरेट उसके बाद ये बुक है विदरिंग हाइट्स ग्रेट बाय ट्रेजर आइलैंड बिकॉज मुझे ऐसी मूवीज़ बहुत पसंद है और ऐसी स्टोरीज़ बहुत पसंद है ट्रेजर रिलेटेड जर्नी टू देंटर ऑफ द अर्थ आपको पता होगा इस पर एक मूवी भी है ये मेरी फेवरेट मूवीज़ में से एक है तो ये उसकी नॉवल है और ये रहा हमारे शेक्सपियर जी का कलेक्शन तो ये भी पैक्ड है अब इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे सारी बुक्स की तो ये भी मैं ऑब्वियसली कॉलेज में लाइब्रेरी से लाके सारी बुक्स पढ़ चुकी हूँ और वैसे आपको पता भी होगा जब हम इंग्लिश ऑप्ट करते हैं यूजी में इन और पीजी में भी काफ़ी सारे प्लेस आते हैं शेक्सपियर के बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है तो एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ मैंने कई बार कॉमेंट सेक्शन में देखा है कि दीदी दी आप कॉलेज की जो है मतलब पोलिटिकल साइंस की कुछ पढ़ाई कराया करो इंग्लिश की पढ़ाया करो तो ऑब्वियसली मैंने सोचा है कि आई स्टार्ट डूइंग इट बट अभी मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ जितनी भी हमारी ये नॉवल्स होती है ना जैसे काफ़ी बार यू में इज लग जाती है जेक्सपियर के बहुत सारे प्लेस लगते हैं ठीक है तो उन सब की जो है मैं शॉर्ट समरीज वो मैं आपको पक्का प्रॉमिस करती हूँ ये सारी नॉवेल्स मैंने पढ़ रखी हैं जो भी नई नई आप मुझे सजेस्ट करते रहना अगर आपको जो है यूजी के लिए हेल्प हुई होगी उन सबकी समरी शॉर्ट वीडियोज मैं बतानी शुरू कर दूंगी ठीक है तो चलो इसको अनबॉक्स करते हैं अनबॉक्सिंग एक मिनट रुक के कर लेंगे बाकी बुक्स देखते हैं हाँ अभी तो अभी ये बहुत लिमिटेड बुक्स हैं यहाँ पे अभी मैं रोज सोचती हूँ कि हाँ ये वाली बुक चाहिए आप लोग भी सजेस्ट करना कौन सी अच्छी सी बुक है मैं उसको भी जो है वो लेकर आऊंगी और फिर उसके ऊपर डिस्कशन भी करेंगे हम ठीक है क्योंकि बुक्स काइज़ अगर हम बुक्स पढ़ेंगे और समझेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है लाइफ से रिलेटेड भी इतनी कुछ हम जान सकते हैं वो अच्छी हो जाती है और रीडिंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट ठीक है तो चलो देखते हैं ये जो दूसरी बुक है अब मैंने पता है यहाँ पे क्या सोचा मैंने सोचा है कि यहाँ पे कॉलम्स बन जाएंगे ये क्लासिकल हो जाएगा क्लासिकल फ़िक्शन सोचा है इसको मैंने इस वाले को माइंड बुक्स जो होती हैं हमारी देन इधर मैंने सोचा है कि यहाँ पे जैसे जो मूवीज़ बन जाती हैं ना क्या बोलेंगे उसे ठीक है तो जैसे हैरी पॉटर टॉयलेट वो यहाँ आ जाएगी और मैंने शेड होम्स का भी सेट ऑर्डर कर दिया है तो उसके लिए ये वाला कॉर्नर ठीक है और जो ये लास्ट वाला कॉर्नर है यहाँ पे यहाँ पे आने वाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक सिक्स टू एथ की एन सी ठीक है क्योंकि वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है मेरे लिए कोई भी चैप्टर पढ़ाना हो या अपनी पढ़ाई करनी हो मुझे सिक्स टू एट की एन और बाकी बुक्स तो यहाँ पर ये बुक वन ऑफ माई फेवरेट्स है ये मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आप में से किसी ने पढ़ी हो तो मुझे ज़रूर बताना तो आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कैसा लग रहा है यार तुम लोगों को ये बुक शेल्फ आई रिमेंबर मैंने तुम लोगों को बताया था रक्षाबंधन वाली वीडियो थी वो या आई थिंक वो फ्रेंडशिप डे था मैंने आप लोगों को दिखाया था कि देखो गाइज हम मैंने डिसाइड करें कि मैं एक बुक शेल्फ बनवाऊंगी और फिर उसके बाद हम लाइब्रेरी जो है मतलब खोलेंगे ऐसे कुछ हम लोगों ने डिस्कशन करा था तो फिर से मैंने ये सोचा कि सबसे पहले आप लोगों के साथ ही मैंने प्लान करा था इस चीज़ को तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ही दिखाऊंगी इसलिए मैंने इस वीडियो को यहीं पे अपलोड करा है सिमरन डीडी लाइव चैनल पे वैसे मैंने नया ने स्टडी टेबल भी okay, बनाया हाँ तो ये देखो स्टडी टेबल भी अब चेंज हो चुका है ये भी अभी अभी, अभी बना है इसके साथ में ही तो ये रहा न्यू वाला स्टडी टेबल पुराने वाला स्टडी टेबल याद है ना आप लोगों को वो मैंने बनाया था मैंने आपको दिखाया था कि वो स्टोर रूम से मैंने निकलवाया उसमें मैं पड़ा करती थी और वो मेरा कंप्यूटर टेबल था एक्चुअली में स्टडी टेबल नहीं था बट फिर उसको हमने आज अ स्टी टेबल यूज़ करा उसमें बहुत सारे थे यू हम लोग करते थे। तो गाइज अब हम यहां पे भी बिल्कुल जो है एक्टिव रहने वाले हैं। और यहां पे भी बहुत सारी वीडियोस क्रिएट करेंगे इस चैनल पर भी बहुत सारी बातें हैं करने के लिए तो मैं बहुत सारी न्यू वीडियोज लेकर आऊंगी और ये जरूर बताते रहो मुझे आप लोग कैसे हो ठीक है और मुझे अब याद आएगा कमेंट सेक्शन में आप लोगों के नाम देख के कि हाँ ये सारे स्टूडेंट्स तब कमेंट किया करते थे और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तो आप में से अब भी कमेंट करते हो तो कि तो दीदी आप क्यों एक्टिव नहीं हो तो अभी जो है हम लोग एक्टिव रहने वाले तो ये देखो ये नया वाला स्टडी टेबल है ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है इसमें बस यहाँ पे मैंने बहुत सारी ड्रॉस ली क्योंकि तुम्हें मेरा स्टेशनरी का वो तो पता ही है मैं कितनी स्टेशनरी कलेक्ट करती हूँ तो यहाँ सारे में आ जाएगी हमारी स्टेशनरी यूज़ तो मैं वही करती हूँ पाँच रुपये वाला पेन जिफी बट हाँ कलेक्ट करने का शौक है ठीक है तो यहाँ सारी हमारी बुक्स आ जाएंगी और जो पुराने वाला वो कंप्यूटर टेबल है और जो मतलब जो हमारा सीमेंट टॉक वाला टेबल था वो मैंने बाहर रख दिया उस पर सारे नोट्स है अभी ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट्स के बोर्ड आने वाले हैं टेंथ बोर्ड आने वाला है तो सारा उस पर बोर्ड्स के जितने भी नोट्स है वो सभी मैंने बाहर रख दिया है और अब बस इसको फिल करना है चलो पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं फिर करेंगे बाकी दे की ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स हैं जो अभी करेंटली नाइन्थ ट्वेल्थ में अगर वो इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो सोचेंगे भाई दीदी को क्या हो गया सिर्फ सीनियर स्टूडेंट से बात करिए पुराने वाले भाई बहनों से हमसे बात नहीं करिए तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है बस अनबॉक्सिंग कर रही हूँ और बुक सेल और रूम टूर दिखा रही हूँ मैं इनको स्टूडियो टूर और अगर मैं सच्ची ना तो आज ये जो ये वीडियो इसमें मैं बहुत नोस्टैल्जिक फील करूँ क्योंकि मुझे ना मतलब बहुत दिनों से बहुत याद भी आ रही थी सारे सीनियर स्टूडेंट्स की और अभी जब मैं आप लोगों से ऐसे बात कर रही हूँ तो मुझे सच्ची में लग रहा है कि रीयूनियन हो रहा है और जब मैं कॉमेंट्स पढ़ी होंगी तो मुझे सबके जो है नाम याद आ जाएंगे कि हाँ ये सब कमेंट करके बताते थे दीदी इतना सिलेबस कम्प्लीट हो चुका है सारी नाइटोल पार्टी के भी कॉमेंट्स आएंगे आई रिमेंबर मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के नाम याद भी अब देखती हूँ कितने स्टूडेंट्स के रिप्लाइज आते हैं अभी तो आई एम वेरी हैप्पी टूडे टू मेक दिस वीडियो मतलब काफी अच्छा लग रहा है मुझे वीडियो को बनाते हुए और जो न्यू स्टूडेंट्स भी है तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो अपनी ठीक है ब्रेक टाइम में कभी देख रहे हो वीडियो को ठीक है वरना बाद में देखना तुम तो इन वीडियो को अभी तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करो अच्छे तरीके से क्योंकि अभी तुम बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते रहो और जब तुम ट्वेल्थ पास आउट कर जाओगे तो उसके बाद तुम इन वीडियोज़ को देखते रहना सही है तो चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं अब हम दिस इज अ सेट डू नॉट सेपरेट हम हम तो करेंगे भाई हमें तो पढ़नी है बुक्स को चलो अब हम इसको अनबॉक्स करते हैं डबिन नहीं है तो यहाँ डॉरेंगे ओके तो पहली बुक है हैमलेट ठीक है ये काफ़ी बार हमारे को सिलेबस में पढ़ाई भी जाती है ठीक है तो ये मैंने पढ़ी थी मुझे याद है और ये आ गई ओथेलो ओथेलो फर्स्ट ईयर में थी मुझे याद है फर्स्ट ईयर में मैंने ओथेलो पढ़ा था और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये रोमियो जूलियट और नेक्स्ट कौन सी आई है मैकबेथ नेक्स्ट आई हमारी द मर्चेंट ऑफ एन एस तो अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा था पूरा और नेक्स्ट आ गया हमारा मिट सम नाइट ड्रीम एंड लास्ट बट नॉट द लीज जूलियस सीज़र और पता है ये जूलियस सीज़र जो ये प्ले था ना वन आई वॉज इन क्लास टेन तो हमारी बुक में ये वाला प्ले था अब क्लास टेन स्टूडेंट्स की बुक बदल चुकी है फर्स्ट फ्लाइट फुट प्रिंट्स विदाआउट फीट हो चुकी है बट हमारे ज़माने में ये वाला प्ले था आप लोगों के लिए हट गया था तो जिन्होंने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा वरना मैंने सोचा है कि हाँ मैं इन सबकी भी ना शॉर्ट समरी स्टोरी बिकॉज यू नो हाउ मच आई लव टू टीच तो मतलब ऐसी जैसे जैसे नेटफ्लिक्स पे भी तो हम सीरीज देखते रहते हैं ना तो कभी कभी मैं जब मेरे को मन करेगा तो मैं ये सारी जितनी भी नॉवेल्स हैं इनकी शॉर्ट शॉर्ट स्टोरीज तुम्हें सुनाती रहूंगी ठीक है सेट करते हैं यहाँ पे तो अभी ये वाली बुक को हमें यहाँ रख देना चाहिए ठीक है ये इधर और ये हमारी ये सारी बुक्स यहाँ पे ये हो गई यहाँ पे रेडी अब आप लोग जो है बताना कैसा लग रहा है ये और हाँ ये बुक हाँ ये देखो ये देखो ये, ये अभी मैं सबसे पहले पढ़ने वाली हूँ ये निकोला टेस्ला जी की ऑटोबायोग्राफी है तो आई एम वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट हिम तो इसलिए मैंने इसे ऑर्डर किया और मैं इसको पढ़ने वाली हूँ आज सबसे पहले मतलब मैं यही बुक पढ़ूंगी और आप लोगों को भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊँगी ठीक है तो अब आप लोगों का काम है कि मुझे सजेस्ट करना सबसे अच्छी अच्छी बुक्स जो मुझे रीड करनी चाहिए और मे भी उनमें से कुछ मैंने पढ़ रखी है तो मैं बताऊँगी तुम लोगों को और जो है जो वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स है अभी यहाँ पे से तो ये है एक फिक्शन में तो ठीक है और वैसे जो बुक को मैं सबसे ज़्यादा पढ़ती हूँ वो कहाँ गई ये रही गाइस ये ओके तो ये बुक को मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती रहती हूँ ठीक है तो विद दिस लेट मी इन दिस वीडियो अब सबसे पहले हाँ बता देना क्या हाल चाल है तुम्हारे सब सही हो बढ़िया हो बिल्कुल तो अब जो है मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में